बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में आप जो वो ऑनलाइन हैशिंग जो वो सीख सकते हैं कि ऑनलाइन हैशिंग जो है वो किस तरह करते हैं, इसका कोड क्या है, और आप भी इस वेबसाइट पर जाकर जो वो ऑनलाइन हैशिंग कर सकते हैं। किस वेबसाइट पर जाकर आप जाए लिखेंगे, यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन में भी जो वो इसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। codinsub.com लिखेंगे आप, ठीक है, तो ये वेबसाइट आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या करेंगे, आप प्रोजेक्ट्स में जाएंगे, उसके बाद जो है आप यहाँ पर देख रहे हैं आपको कौन सा जो वो प्रोजेक्ट चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हैशिंग वाला आइकन है, तो इस पर क्लिक कर दें, वहां तो साइड बार भी आ रहा हो, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर SH1 हैशिंग हो रहा होता है, ठीक है, ये एल्गोरिथम है, ठीक है। सीधा 256 भी होता है, 384 होता है, 512 होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या, यहाँ पर आप कुछ भी लिख दें, मैं अपना नाम लिख दूंगा अक्कर शुएब, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं हैश पर क्लिक करूँ तो अभी इसको जो है ये कन्वर्ट करके दे देगा। अच्छा, हैशिंग किसे कहते हैं, हैशिंग किसे कहते हैं कि आप जो है कोई भी स्ट्रिंग, कोई भी नंबर देना आप, तो वो उसका जो है वो यूनिक नंबर आपको प्रोवाइड करेगा, और ऐसा यूनिक नंबर प्रोवाइड करेगा जिसको आप जो है वो दोबारा कन्वर्ट नहीं कर सकते। इस बात को याद रखिएगा कि इंक्रिप्शन में और हैशिंग में एक बेसिक फर्क यह है कि वो भी इंक्रिप्ट करता है। जैसे मेरी ये फाइल है ना, यहाँ पर देखिए, ये भी इंक्रिप्ट करता है, देखिएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, इस पर ये है कि थोड़ा बहुत इसमें एरर दे रहा होगा, ठीक है। अच्छा, मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा से इसको। अच्छा, यहाँ पर क्या है, इंक्रिप्शन वाली फाइल है, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करते हैं, ठीक है। अभी देखिए, ये वीडियो भी इंक्रिप्शन करता है, ठीक है। मैं भी लिखता हूँ SHOAIB, ठीक है, इससे भी जो है इंक्रिप्शन इंक्रिप्ट करेगा, इसको ये नंबर दे दिया, ठीक है। अब क्या, इसी नंबर को अगर मैं डिक्रिप्ट कर अपना शेब लाना चाहता हूँ, जो इसके असल वैल्यू है, तो मैं ला सकता हूँ। करीब की यहाँ पर किया तो यहाँ पर देखिए शेप आ गया, ठीक है, डिक्रिप्ट वैल्यू कर दिया हमने, ठीक है, इनक्रिप्शन किया, यानी कि आपको भी नंबर दे दें तो इनक्रिप्ट कर देगा ऐसे नंबर पे जो वो अनरीडिएबल हो, ठीक है। इसको आप जो पढ़ नहीं सकते इसको, ठीक है, इनक्रिप्ट है, ठीक है, कोई पढ़ नहीं सकता उसको, ठीक है। फिर इसको कन्वर्ट किस तरह करेंगे, डिक्रिप्ट करेंगे इसको, ठीक है। लेकिन हैशिंग में क्या होते हैं, ऑनलाइन हैशिंग में होता है कि आप जो जब नाम देते हैं, अपना नाम लिख लें, कुछ भी लिख लें, आप जब ये कन्वर्ट करेगा ना, तो आप उसको जो है वो दोबारा से जो अपना नाम लेकर नहीं आ सकते, ठीक है। अब जैसे ये आया ना, अब से दोबारा अपना नाम लेकर नहीं आ सकते इससे। अब ये आपके पास वैल्यू आ गई है, और आप उसको चाहे जो आप जो वो कहीं पर भी यूज करें, ये अब डिक्रिप्ट दोबारा नहीं हो सकता, ठीक है ना। इसी तरह ये फाइल भी ऐसा हो सकता है, फाइल आप कभी चूज कर लें, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी फाइल चूज कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, मैं ये चूज कर लेता हूँ एरे वाला, ठीक है, इसको मैं चूज किया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब इसने अरे वो जो जो भी जो फाइल है ना, पिक्चर है, उसको यहाँ पे कन्वर्ट जो हैशिंग जो वो फाइल का जो रिजल्ट है हैश करके आप दे दिया, ठीक है। किसके मुताबिक दिया है, कौन सा एल्गोरिथम के मुताबिक, SHA-1 के मुताबिक दे दिया, ठीक है। इसी तरह SHA-256 भी है, ठीक है, इसमें भी ऐसा ही है कि आप जो वो शेव लिखेंगे तो यहाँ पर जो वो इसको कन्वर्ट करके दे देगा। लेकिन फर्क क्या है, वो ये ज्यादा नंबर का है, देखे ना, ये ज्यादा नंबर का है, पिछले वाला कम नंबर का आया था, ठीक है। इसलिए ये भी जो वो उसी फाइल को कन्वर्ट करके दिखाता हूँ मैं, ठीक है। इसको कन्वर्ट किया, अभी देखिएगा, अब ये ज्यादा आएगा, देखिए वो पहले कम था, ये ज्यादा है। अच्छा, अब 384 पे 512, देखिए ये ज्यादा कम ज्यादा, एक इस तरह है ना, इस एक लाइन पे है तकरीबन, ठीक है। अब देखिएगा, अब मैं जरा यहाँ पर वही चीज लिखता हूँ, अब ये जो ज्यादा बड़ी वैल्यू दे देगा, ठीक है। और इसलिए इसका एल्गोरिथम अलग है, देखिए तीन लाइनों पे आया, ठीक है ना, ये कुछ ज्यादा बड़ा है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर अगर मैं पिक्चर वही वाली पिक्चर दूंगा तो ये देखिएगा, आप देखिएगा इसको ज्यादा जो है वो देगा, ठीक है। इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे ना, तो देखिएगा ये तीन नंबर पर दे रहा है, देख रहे हैं आप, ठीक है। आप इसको आप जो कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसके बरक्स अगर आप इंक्रिप्ट करेंगे तो उसका आप डिक्रिप्ट भी कर सकते हैं, दोबारा वही वैल्यू ले आएंगे जो आपके आपका नाम था, ठीक है ना। तो ये ऑनलाइन हैशिंग है, और हैशिंग कैसे कहते हैं मैंने आपको बता दिए। अच्छा, तो हैशिंग जो बेसिकली यही होता है कि भाई आप जो वो कन्वर्ट कर रहे होते हैं अपना कोई भी नाम वगैरह को, किसी ऐसे नंबर पर, किसी ऐसे स्ट्रिंग में जो अनरीडेबल होगा, कोई पढ़ नहीं सकता, ठीक है, एल्गोरिथम के थ्रू। कौन से एल्गोरिथम के थ्रू, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये असल में एल्गोरिथम है। बाकी इंडेक्स और एचटीएमएल में आप जो जाकर इनपुट ले लेंगे, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये है ना, ये टेक्स्ट दिया, ठीक है, यहाँ बटन लगा दिया, फिर यहाँ पर इनपुट ले लिया सर, ठीक है, टेक्स्ट फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ फाइल चूजन कर लिया आपने, ठीक है, यहाँ पर देखो आपको ये कर दिया, ठीक है। अच्छा, इस पे यही है, ठीक है, या तो आप खुद ही आप बना सकते हैं इस पर, ठीक है, या मेरी वेबसाइट पर जाकर चेक भी कर सकते हैं आप, ठीक है। ये आपकी जो इंडेक्स और एचटीएमएल वाली फाइल है, ठीक है, यहाँ पर आपने टेक्स्ट एरिया ले लिया एक, ठीक है, उसमें आप टैब कोई भी चीज लेंगे, उसके बाद जो इसको रिजल्ट और डिस्प्ले करेंगे टेक्स्ट एरिया में करवा देंगे, ठीक है ना, ये कर सकते हैं। असल जी चीज है app.js, जो कि जावास्क्रिप्ट है, ठीक है।
यहाँ से आप जब हैशिंग टैक्स लेंगे, कोई भी अपना टैक्स ले रहे हैं, हैशिंग टैक्स ले लिया आपने यहाँ से, ठीक है, यूजर से, ठीक है, फिर आप वही हैशिंग टैक्स को हैश करा के उसको जो रिजल्ट आउटपुट करवाएंगे तो वो यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या होता है, ठीक है, आप मेरी वीडियोज वगैरह भी देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट में काफी ज्यादा वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, 20 तकरीबन वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, आप मजे देख लीजिएगा उसको, ठीक है। उसके बाद ये इसका कोड है UTF-8 के मुताबिक जो वो उसको इनकोड करता है, ठीक है। उसके बाद ये SHA-1 के मुताबिक करता है, बाकी जो वो 256 है तो उसका अलग एल्गोरिथम है, यही एल्गोरिथम है, लेकिन यहाँ पर 256 लिख लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह ये आपको आप चेक कर सकते हैं इस पे जो वो, ये मैंने जो वो खुद नेट से लिया था, ठीक है, ये नेट, ये तो ये आप खुद से भी लिख सकते हैं, लेकिन खुद से लिखने का फायदा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब एक चीज बनी हुई है ना, आपको दी हुई है, तो आप जो उसको यूज करें, ना कि आप खुद जो बैठ कर लिखे और 2 दिन लगाए टाइम वेस्ट करें सिर्फ, ठीक है। एक चीज लिखी हुई आप नई चीज इंट्रोड्यूस करवाएं अगर कमानी, ठीक है, मगर तो जो चीज लिखी हुई आप उसको नहीं कर सकते, ठीक है ना जी। तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है, बाकी ये रिजल्ट वगैरह है आप चेक कर सकते हैं, ठीक है सर। ये भी आप जो देख फाइल का फाइल आप किस तरह लेंगे, तो ये सारी चीजें जो है वो आप देख सकते हैं, ठीक है, उसको आप जो है वो कोड चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑनलाइन हैशिंग मैंने आपको बता दी क्या होती है, ठीक है, आप जब मेरी वेबसाइट जाकर हैश भी कर सकते हैं, ठीक है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन भी जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इस वीडियो में आपने जो है वो सीख लिया कि भाई ऑनलाइन हैशिंग किस तरह करते हैं, तो अगर आपको जरूरत हो तो आप मेरी वेबसाइट पर जाइएगा और इसको जो है वो इम्प्लीमेंट कीजिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन वगैरह तो कॉन्टेक्ट के पेज में जाकर आप जो है वो उससे जो है वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।